नमस्कार, तो मैं हूँ आनंद पांडे। कैसे हैं आप लोग? सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मित्रों, थंबनेल के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। हम कैसे काइन मास्टर में बनाते हैं बेल इंट्रो हाथ वाला। तो चलिए ये देखिए, हमने एक स्क्रीन रिकॉर्डर अपने चैनल का स्क्रीन रिकॉर्ड करके यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लिया। ठीक है, इसको हमने बना लिया है। और अब हम क्या करते हैं, काइन मास्टर में ही ओपन करते हैं यहाँ पे एक इस लेयर में जा करके और ओपन कर लेते हैं। हम एक पिक्सआर्ट में यहाँ पे हमने एक एडिट किया हुआ है फ्रेम मोबाइल का। आप जो देख रहे हैं बीच में सीन मित्रों, वो वीडियो है, फ़ोटो नहीं है, हमारे चैनल का वीडियो है। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड किया था, उसके ऊपर मैंने ये पहना दिया। इसको जो मोबाइल का खाली फ्रेम था मैंने उसको पहना दिया, एक मोबाइल तैयार हो गया, अंदर वीडियो है उसके। ठीक है, अभी हमें क्या करना है मित्रों, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे लेयर में जाते हैं, लेयर में जा करके और यहाँ पे हम अपना एक हाथ वाला, ये भी आप गूगल में देखेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं इसका लिंक, कैसे लोड करना पड़ता है, कैसे बनाना पड़ता है, इसके बारे में मैं बताऊँगा। ये हाथ वाला उंगली वाला यहाँ पर मैं रख देता हूँ। ठीक है, जहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होता है मित्रों, उसमें रिकॉर्डिंग में मैंने खुद से सब्सक्राइब किया हुआ है पहले से, और वहाँ पे वो सब्सक्राइब होने के बाद मैं अनहाइट लाइट हो जाता है। आप देख रहे हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने इसको इसके पास में लेयर को थोड़ा सा रख दिया, हाथ वाला लेयर जो है उसको मुझे उतने पे रखना है जितने पे हमारा सब्सक्राइब वाला बटन दब जाता है। ठीक है, उसको हमें सेट करके रख लेना है। रखने के बाद इसका डुप्लीकेट भी लेना है, डुप्लीकेट लेकर के हमें बेल आइकन के पास वाले में रखना है। आपने देखा है दो पीला पीला रंग का नीचे लेयर दिख रहा है, एक सब्सक्राइब पास है और दूसरा मैं यहाँ पे रख देता हूँ जहाँ पे बेल आइकन प्रेस करते हैं। ठीक है, दो लेयर आपको दिख रहे हैं पीले वाले नीचे, ये दोनों हाथ के हैं और एक बेल आइकन पे, दूसरा सब्सक्राइब पे है। ठीक है, हमें एडजस्ट कर लेना है इस तरह से। ठीक है, हाथ वाला ये हमें एडजस्ट करके यहाँ पे रख लेना है। इसे आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर खुद के हाथ का फ़ोटो खींच करके रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एनिमेशन में जा करके इसको सेट कर देंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए हाथ यहाँ पे आ गया बेल आइकन, और अब तीसरा लेयर मुझे रखना है, ये मैंने डुप्लीकेट रख दिया यहाँ पे। ठीक है, जो कि आल पे क्लिक करता है, बेल आइकन दबाने के बाद में आल पे क्लिक करता है। तीन लेयर मैंने हाथ वाला लगा दिया, हाथ वाला तीन लेयर मैंने लगाया हुआ है, आप देख रहे हैं, एक सब्सक्राइब, दूसरा बेल आइकन, तीसरा आल पे। ठीक है, अब मैं प्ले करके इसे देख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये आया, यहाँ पे ए आया और यहाँ पे आल पे ए आया, तीनों लेयर हमारा लग चुका है। अब हमें करना क्या है मित्रों, सिंपल यहाँ पे हम इस पे रख देते हैं। ठीक है, अप पे एंटर, सो अप पे रखेंगे तो हाथ ऐसे नीचे से ऊपर होकर के आएगा, एनिमेशन जा करके हमने इसे रख दिया है। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं और एनिमेशन में इसे भी हम सेट कर दिए। ओके, अभी हम प्ले करके देखेंगे तो हमारा किस तरह से रहेगा। हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, सबसे पहले इसे एक्सपोर्ट कर लेना है सिंपली आपको। ठीक है, और एक्सपोर्ट करने के बाद फिर से काइन मास्टर खोलना है। मैं एक्सपोर्ट करके इसे फिर से ओपन कर लेता हूँ काइन मास्टर। ठीक है, अब मैंने एक्सपोर्ट कर लिया है इसको। अब हमें क्या करना है, दूसरा काइन मास्टर ओपन करना है, यहाँ पर लेयर में जाना है। लेयर में जा करके मित्रों, वहीं पर एक्सपोर्ट किया हुआ वीडियो मैं अपना ले लेता हूँ। ठीक है, इसे मैं बैकग्राउंड सफ़ेद लगा दूंगा, सफ़ेद बैकग्राउंड लगा दिया मैंने, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं वही एक्सपोर्ट वाला लेयर में जा करके एक्सपोर्ट वाला मैं वीडियो ले लेता हूँ। ये देखिए यही था, ये पहला वाला, हम इसे यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए वाइट रंग का बैकग्राउंड उसका भी था, यहाँ पे मैंने वाइट रंग का बैकग्राउंड रखा हुआ है। अब हमें इसे एडजस्ट कर लेना है, कितना दिखाना है कितना नहीं। ठीक है, आप देख रहे हैं वही वीडियो जो बन चुका था, बन के तैयार हो चुका है। इसमें आवाज़ वगैरह भी मैंने नहीं डाला है, लेकिन हाथ बराबर काम कर रहा है, वहाँ पे सब्सक्राइब भी हो रहा है, वहाँ पे बेल आइकन भी प्रेस हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है मित्रों, सिंपल तरीके से इसे अब हमें राउंड अप देना है, यानी 3D मेशन बनाना है। तो 3D मेशन कैसे बनेगा मैं उसे दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे इसे चाबी वाला आपको आइकन जो दिखता है, वीडियो पर क्लिक करेंगे तो चाबी वाला आइकन आता है। चाबी वाला आइकन पर हमें पहले तो हमें इसे एडजस्ट करके रख लेना, फिर आपको चाबी वाला ऑप्शन दिख रहा है लेफ्ट साइड में, आपको चाबी वाले ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करके, और यानी वीडियो क्लिक करेंगे फिर चाबी वाले क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप इसे घुमावदार
जैसे आप राउंड ऑफ देना चाहते हैं इसको दे सकते हैं, थ्री डिमेंशन है, ठीक है। हम इसे इस तरह से घुमा करके रख लिए हैं, और यहाँ पे वीडियो पे कट मारना पड़ता है तीन चार, यहाँ पे चाबी वाले पे क्लिक करके, और हमने कट मार लिया है, ठीक है। तीन चार अब वीडियो वाले लेयर पे देख रहे हैं, तीन चार रंग के आ रहे हैं, बिंदी पड़े हुए हैं वहाँ पे, अलग अलग टाइप के वीडियो को हम राउंड राउंड ऑफ दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वही मेरा वीडियो तो अब सीधा था, वो अभी टेढ़ा मेढ़ा होकर के चल रहा है, यानी कि 3D एनिमेशन में बना है। आप देख सकते हैं 3D एनिमेशन में कैसे आ रहा है हमारे वीडियो। ये देखिए सब्सक्राइब और यहाँ पे बेल आइकन, ठीक है मित्रों। ये हमारा वीडियो समथिंग बन चुका है, अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से हमें इसे एक्सपोर्ट कर लेना चाहिए। लेकिन अभी हम देखते हैं एक बार इसको क्या करना सही है कि नहीं सही है, एकदम क्लियर ऑल पे क्लिक हुआ, ठीक है। ये देखिए कम्प्लीटली हमारा बन चुका है मित्रों, ठीक है। आप एक बार फिर देख लीजिए, देखा मित्रों मैंने इस पे आवाज़ भी नहीं डाला है, आवाज़ मैं डालूँगा तब जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी। मैं इसे हर वीडियो के पहले लगा दूँगा, जो हमारा अभी 15 सेकंड का ये लेयर बना हुआ है, ये एनिमेशन वाला इंट्रो वाला, तो ये इंट्रो वाला वीडियो मैं हर वीडियो के पहले जब मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसके पहले मैं इसे लगा सकता हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने इस वीडियो में भी इसे ही लगाया है जो अभी मैंने बनाया है, और मैंने उसमें आवाज़ तब दी है जब मैंने वीडियो को आवाज़ देना चाहा, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसमें मैंने आवाज़ नहीं दी है, मैं आवाज़ दे करके कोशिश कर लेता हूँ, देखता हूँ कि आवाज़ इसमें आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो बस मित्रों हमें यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है और हमारा ये वीडियो बन चुका है, ओके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू, धन्यवाद।